आज पूरे एक महीने लगातार गर्मी पड़ी थी, लेकिन फाइनली आज थोड़ा बहुत मौसम ठीक हुआ है, इसलिए हम ना छत पर आ गए मस्ती करने के लिए। वैसे गाइस, आप सभी के वहां पर कैसी चल रही है गर्मियां? यहां पर तो वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ सिंचन पिंचन चॉप के साथ क्यों ना पिकनिक मना जाए। भाई साहब कल है, इस बार तो भाई सीधा इंडिया जाएंगे मनाने पिकनिक विकनिक। सही कह रहा है यार अपने इंडिया के दोस्त। भैया ये क्या हो गया? बाबा साहब मगज ना मारा। ओ नो, इतनी ज्यादा गर्मी कैसे हो गई? ऐसा लगता है जैसे सूरज हमारी हमारे घर पर आके गिर गया। अरे बाप रे, एक मिनट, सिंचन पिंचन चॉप, सिंचन। ओह नो सिंचन, ये क्या हो गया तुझे? पिंचन, गाइस कोई प्लीज इनके लिए वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। ये मेरी फैमिली को क्या हो गया? चॉप। ओह नो, ये लोग तो मर गए। अब मैं वैकेशन किसके साथ मनाऊंगा? गाइस प्लीज वीडियो लाइक कर दो और जल्दी चैनल सब्सक्राइब। अरे मैं बर्बाद हो गया। ये कौन है? एक मिनट, ये तो सन गॉड है। लेकिन गाइस सन गॉड तो बहुत बड़ा होता है, ये तो बहुत छोटा है। अरे बाप रे, सब क्या चल रहा है? कोई प्लीज मेरी मदद करो, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? बच्चे प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरे फैमिली मेंबर मर गए। लेकिन अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तेरे फैमिली मेंबर जिंदा कर दूंगा। क्या सच में? लेकिन एक मिनट, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? पहले तुझे मेरी स्टोरी जाननी होगी। एक समय की बात है जब मैं बहुत बड़ा ऑल फादर सन गॉड हुआ करता था। ओह माय गॉड गाइस, ये तो सच में बहुत बड़ा है। और मेरे पास काफी अच्छी ताकतें थी, मेरा दिमाग काफी तंदुरुस्त था मेरी बॉडी की तरह। लेकिन रेड हल्क की फैमिली की नजर मेरे ऊपर थी। ओह माय गॉड, ये रेड हल्क की फैमिली आपकी तरफ क्यों आ रही है? उनके पास किसी तरह का कोई गैजेट था जिसका इस्तेमाल करके वो मेरे माइंड को कंट्रोल करना चाहते थे। ओह नो दोस्तों, मैं समझ गया, उस गन को कहते हैं माइंड कंट्रोलर गन। इसका आविष्कार तो टोनी स्टार्क ने किया था, इनके पास कहां से आ गई? जरूर इन्होंने चुरा लिया होगा। ओह माय गॉड, ये रेड हल्क क्या कर रहा है गाइस? अरे बाप रे, इसने तो लिटरली में सन गॉड के माइंड में एंट्री ले ली, वो भी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। उसके बाद क्या हुआ? वो लोग मेरे माइंड में उथल-पुथल करने लगे, कुछ छेड़छाड़ करने लगे। मुझे पहले लगा वो बस कीड़े हैं, फालतू में घुसकर बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बच्चे वो किसी अंत की शुरुआत थी। ओ नो दोस्तों, मुझे नहीं पता ये लोगों ने क्या किया बेचारे सन गॉड के साथ। उसके बाद उन्होंने मेरी बॉडी को पहले कंट्रोल किया और वो मुझे आइस गॉड के पास ले जाने लगे। क्या? सन गॉड को आइस गॉड के पास? गाइस सन अगर गर्म है तो आइस ठंडा है, आप सभी जानते हैं। ये दोनों गॉड्स एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। उसके बाद आइस गॉड से मैं तो लड़ना भी नहीं चाहता था। आइस गॉड पर जबरदस्ती उस रेड हल्क ने मेरे माइंड को कंट्रोल करके मेरी बॉडी से अटैक्स करवाए। ओह माय गॉड, यार ये रेड हल्क क्या चाह रहा है? बेचारे सन गॉड की दुश्मनी क्यों बढ़ा रहा है आइस गॉड से? और यहां पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आइस गॉड को बहुत गुस्सा आ गया, सन गॉड को बहुत मारा आइस गॉड ने, उठा उठा कर मारा, क्योंकि मेरी सारी पावर्स मेरे कंट्रोल में नहीं थी। शायद रेड हल्क यही चाहता था कि मैं पिटूं, पिट पिट के बहुत छोटा हो जाऊं। ओह माय गॉड गाइस, देखिए बेचारा सन गॉड आइस वर्ल्ड में फंस गया है और यहाँ पर धीरे धीरे पिघल पिघल कर पानी में जा रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा कर्स है बेचारे सन गॉड के लिए। उसके बाद बच्चे मैं पूरी तरह से पानी में चला गया, लेकिन वो रेड हल्क की फैमिली मानी नहीं, ये तो अभी शुरुआत थी। क्या इसका क्या मतलब है शुरुआत थी? वो और क्या करने वाले थे? अभी तो उन्हें बहुत बुरी तरह से मुझे टॉर्चर करना था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े पत्थर लाए और मुझ पर हमला कर दिया। ओ माय गॉड गाइस, हमारे सन गॉड पर मीटियोर्स का हमला, इसी मीटियोर की वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई। उसके बाद उन्होंने मेरा बड़ा शरीर, मेरा बड़ा सन गॉड का सूट छीन लिया और मुझे बहुत ज्यादा छोटा कर बाहर निकाल दिया। ओ माय गॉड गाइस, ये बहुत ज्यादा गलत हुआ। सन गॉड जी आप चिंता ना कीजिए, मैं आपकी रियल एलिमेंटल पावर्स और आपका रियल ऑल फादर सन गॉड का सूट आपको वापस ला कर दूंगा, और साथ में टोनी स्टार्क को भी तो ये बचाना होगा। क्या? टोनी स्टार्क को बचाना होगा? इसका क्या मतलब है गाइस? खैर वो जाके मुझे पता चल जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए ब्लैक रिवेंजर क्या कर रहा है। अरे बाप रे, तो पूरी रेड हल्क की फैमिली जो अभी हमने रीकैप में देखी थी, मूंछों की कसम सन गॉड के एलिमेंटल पावर्स और उसका सूट हमारे पास है, बिल्कुल हम बहुत पावरफुल बन चुके हैं। एक मिनट दोस्तों, अरे बाप रे, ये रहा सन गॉड का रियल सूट, उसकी रियल फॉर्म, मुझे इसी को चुराना होगा। एक मिनट, ये जाल, अरे ये तो टोनी स्टार्क है। अब भी समझ आया, जरूर टोनी स्टार्क ने गाइस यहां पर बचाने की कोशिश की होगी सन गॉड को, क्योंकि गाइस जिस गन से रेड हल्क ने सन गॉड का माइंड कंट्रोल किया था वो गन टोनी स्टार्क ने बनाई है, तो जरूर टोनी स्टार्क अपनी गन वापस लेने आएगा। और बेचारे टोनी स्टार्क को इन्होंने किडनैप कर लिया। मैं टोनी स्टार्क को पहले बचाऊंगा, फिर ये और मैं साथ मिलकर सन गॉड के इस जायंट सूट को बचा सकते हैं। अरे बाप रे, फ्रैंकलिन तू यहां पर क्या कर रहा है?
अरे मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ। बेचारे सन गॉड का जायंट सूट इन्होंने छीन लिया उसकी पावर से। बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि जो गन मैंने आविष्कार किया था, जिसको मैंने बनाया था दुनिया का भला करने के लिए, इन्होंने बुराई की, गॉड्स का माइंड कंट्रोल कर रहे हैं। अब तो ये प्लान बना रहे हैं ऑल फादर गॉड का माइंड कंट्रोल करने का, क्यों फिर तो हमें इन्हें रोकना होगा। लेकिन फ्रैंकलिन पहले हमें वो गन चाहिए। मूछों की कसम, बहुत देर से सन गॉड की पावर का इस्तेमाल नहीं किया, अब समय आ गया है सन गॉड के माइंड का इस्तेमाल करके ऑल फादर गॉड के माइंड को कंट्रोल करने का। सबसे पहले मेन स्क्रीन ऑन करता हूँ। अरे वाह, ये तो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। अरे टोनी स्टार्क, अरे ये क्या, टोनी स्टार्क कहाँ गया, जाल कैसे टूट गया, ये क्या हो रहा है, इधर कौन है, अरे ये तो कलुआ फ्रैंकलिन है, जरूर ये इसको बचाने आया होगा और मेरी गन छीनने आया होगा। क्यों ना इनके साथ मस्ती करूं, पहले मैं फ्रैंकलिन की बॉडी कंट्रोल करूंगा इस सन गॉड के माइंड से, और टोनी स्टार्क को पिटवाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है मुझे, अरे बाप रे फ्रैंकलिन मुझे क्यों मार रहा है, मुझे नहीं पता, मेरे हाथ पैर कुछ चल रहे हैं। फ्रैंकलिन ये क्या, अरे बाप, फ्रैंकलिन मेरी बात तो सुन, ये क्या कर रहा है तू, देख मजाक का टाइम बिल्कुल नहीं है। अरे बाप रे, ना मैं वो गन रेडॉक्स से छीननी होगी, फ्रैंकलिन ये तो मैं बताता हूँ अभी, ये ले। अरे टोनी स्टार्क सच में, मैं जान कर नहीं लड़ रहा हूँ, गाइस प्लीज कमेंट में यस लिखो, टोनी स्टार्क को बताओ मेरी बॉडी खुद से कुछ चल रही है, मुझे कसम मजा आ रहा है। एक मिनट, ये तो रेडल की आवाज है, शायद मुझे लगता है फ्रैंकलिन वो तेरी बॉडी कंट्रोल कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है क्या। बिल्कुल, माइंड को कंट्रोल करने के साथ साथ वो किसी की बॉडी भी कर सकता है, क्या फिर तो हम बुरे फंसे, फिर हम क्या करें। मेरे हिसाब से फिलहाल हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बहुत तो तू सही कह रहा है, कैसे भागोगे, फ्रैंकलिन को फ्रीज कर देता हूँ। क्या, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, टोनी मुझे बचा। अब चलो टोनी स्टार्क की बॉडी कंट्रोल करते हैं और फ्रैंकलिन को बॉम्ब से फाड़ते हैं। फ्रैंकलिन ये क्या कर रहा हूँ मैं, अरे टोनी स्टार्क मुझे तू जिंदा क्यों मारना चाहता है भाई, मैं नहीं मारना चाह रहा, पता नहीं है बॉम्ब कहाँ से आ रहा है मेरे हाथ में। फ्रैंकलिन यहाँ से भाग, अरे कैसे भागू मैं, अटका पड़ा। अरे फ्रैंकलिन ये क्या, ये रेड हल्क ने हमारी कमजोरी ढूंढ ली, अब ये हम दोनों को मरवाएगा। अरे ये तो शुरुआत है बरकुरदार जी, फ्रैंकलिन उठ, नहीं उठेगा, आरपीजी निकाल टोनी स्टार्क, मैं नहीं करूंगा कुछ भी रेड हल्क। अरे बाप रे टोनी स्टार्क, अब हम क्या करें, हम तो बुरे वाले फंस गए, प्लीज रेड हल्क हमें छोड़ दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, फाड़ इसको। अब ऑल फादर गॉड का माइंड बाद में कंट्रोल करूंगा, पहले तुमको जान से मारूंगा टॉर्चर करके। एक बार रेड हल्क सन गॉड हमारे हाथ में आ गया, हम तुझे जान से मार देंगे टॉर्चर करके। बिल्कुल सही कहा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं रेड हल्क, यहां से भागते हैं, जल्दी भागते हैं, इतनी जल्दी कहां बरकरदार, चलो तुम्हें श्रेडर मशीन के पास लेकर चलते हैं। क्या, ये क्या होता है, अरे फ्रैंकलिन ये हमारा पीस कर कीमा बना देगा भाई श्रेडर मशीन में। क्या, अरे बाप रे, ये कहां पर आ गए हम लोग, फ्रैंकलिन ये बहुत डेंजरस जगह है मेरे भाई, यहां से जितनी जल्दी हो निकलना पड़ेगा। एक मिनट, पीछे क्या, वो कार है, टोनी स्टार्क इस कार को लेके भागते हैं, अबे इस कार में बिठवा कर ही तय करेगा। सही सुना तुमने, असल में तुम दोनों को पीछे खड़ी कार में बैठना है, जैसे ही तुम इन दोनों में बैठ जाओगे तुम आगे बढ़ना होगा, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो मैं खुद करवा दूंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इस खतरनाक श्रेडर विंडमिल्स में लेकर जाऊंगा, जो तुम्हें पूरी तरह से स्मैश कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। नहीं नहीं टोनी, मुझे रोक, मेरे हाथ पर खुद चल रहे हैं। अरे भाई मैं खुद मजबूर हूँ, ये रेड हल्क ने हम दोनों की बॉडी कंट्रोल कर रखी है, इसके पास सन गॉड है, उसकी वजह से इतना पावरफुल है ये, जल्दी चलो मजा आएगा। नहीं कोई मजा नहीं आएगा, गाइस कोई प्लीज हमें बचाओ, कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखो। बिल्कुल गाइस, आयरन मैन ओपी भी लिखो, हमें यहाँ पर अपनी बॉडी कंट्रोल खुद से अपने माइंड से करवाना है, ये तो सन गॉड का माइंड इस्तेमाल करके हमें फंसा रहा है। तुझे पता है टोनी स्टार्क, सन गॉड हमारे घर पर गिरा था, जिस वजह से सिंचन पिंचन और चॉप की मौत हो गई। ओह नो फ्रैंकलिन, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, इसलिए हमें सन गॉड की बॉडी वापस चाहिए, क्योंकि सन गॉड ने मुझसे वादा किया है, एक बार हमने उसकी बॉडी उसको वापस कर दी तो वो मेरी फैमिली को बचा लेगा, और गाइस मिस्टर रेडल को भी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, लेकिन ये हम कैसे करें भाई, ये लोग बहुत ताकतवर है। अरे बाप रे, मुझ में भी आग लग गई फ्रैंकलिन, अरे कोई बचाओ, कोई है, मजा आ गया, चलो अब ये मर जाएंगे जल जल कर, अब मैं जल्दी से अपने प्लान को जारी करता हूँ। ये कहां पर आ गया मैं एक साथ से, ओह नो टोनी स्टार्क, तू ठीक तो है मेरे भाई टोनी, मैं ये रहा फ्रैंकलिन, मैं जिंदा हूँ, वो सोच रहा है शायद हम मर चुके हैं, यही सही मौका होगा, इसका मतलब अब यहाँ पर हम अपना चाल चल सकते हैं, लेकिन कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, असल में हमें इन लोगों से उस गन को किसी भी हालत में चुरानी होगी, हम यहाँ पर सीधा ऑल फादर गॉड पर हमला करेंगे। ये ऑल फादर गॉड पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं फ्रैंकलिन, इससे पहले कि अपने प्लान को जारी करें हमें वो गन छीननी होगी, लेकिन कैसे, मेरे पास एक प्लान है, मैं जाकर इनको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। नहीं फ्रैंकलिन, मैं जा रहा हूँ इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तू जा और जाकर गन छीन, तुम्हारी तो मैं बताता हूँ, आ जाओ लड़ो मुझसे। अरे क्या कर रहा है, और इसको तो मैंने मार दिया था, अरे पकड़ो इसको, जिंदा मारो, लगता है फ्रैंकलिन मर गया या बच गया। हाँ बिल्कुल सही कहा, फ्रैंकलिन मर चुका है और मैं बच गया हूँ। गाइस टोनी स्टार्क ने लिटरली में अपने पीछे मौत लगा ली है, मुझे जल्दी जाना होगा, टोनी स्टार्क बहुत
अच्छा है, उसने मेरी जान बचाने के लिए खुद आगे बढ़ गया। वो आगे ऑलराइट गाइस मैंने कर ले लिया, अब मुझे जल्द से जल्द सन गॉड के माइंड को कंट्रोल करके टोनी स्टार्क को बचाना होगा। जल्दी करता हूँ। अरे बाप रे, ये गया मैं। वाह मैं आ गया। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर इतनी सारी है। टोनी स्टार्क तू यहाँ क्या कर रहा है ऑलरेडी? फ्रैंकलिन जैसी तूने गन मारी, तेरे साथ साथ मैं भी आ गया। क्या बात है गाइस, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हम इस सन गॉड के माइंड को कंट्रोल कैसे कर लेंगे। फ्रैंकलिन मेरे पास आइडिया है, जब तक हम रेडल की फैमिली को पूरी तरह से टॉर्चर कर करके खत्म नहीं करते थे तब तक हम यहाँ पर सेफ नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा, अगर हमने एक बार को सन गॉड को उसकी ये बॉडी वापस कर भी दी तो ये वापस आएंगे उसको छीनने। इसलिए गाइस पहले मैं और फ्रैंकलिन मेरे इनकी बैंड बजाएंगे। मूंछों की कसम ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई बचाओ। गाइस हमने यहाँ पर ब्लैक रिवेंजर हल्क की बॉडी पे कंट्रोल पा लिया है और अब हम ब्लैक रिवेंजर हल्क से उसी की फैमिली को पिटवा रहे हैं। नहीं, अरे तू मेरा जिगर का टुकड़ा है ब्लैक रिवेंजर, मुझे क्यों मार रहा है? अरे मेरे बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम बताते हैं तुम्हारे साथ क्या होगा। ऑलराइट गाइस, इन लोगों ने हमें श्रेडर मशीन में उठा उठा के पटका था ना। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, क्यों ना इनको भी श्रेडर मशीन का मजा चखाया जाए। और नहीं, अच्छा बेटा नहीं बोल रहा है, ये दबाया मैंने बटन। और मूंछों की कसम, और नहीं, और तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, और टोनी स्टार्क फ्रैंकलिन मैं वापस आऊंगा, ऑल फादर गॉड का माइंड कंट्रोल करके तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। देखा देखा टोनी स्टार्क मैं सही था, ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें इनका काम खलास करना होगा। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, लेकिन पूरी शान से करेंगे, क्यों ना इनके ऊपर कुछ खतरनाक टैंकर्स और ट्रक गिरा जाए, लेकिन इनको पहले सबको आने दे, एक साथ गिराएंगे। और भागो, और ये लोग पागल हो गए, जल्द से जल्द हमें ऑल फादर गॉड का माइंड कंट्रोल करनी होगी। ये गिराए मैंने कुछ खतरनाक टैंक्स, और माटक क्यों गया, मैंने अटकाया है। वाह फ्रैंकलिन ये सही है, वरना ये लोग यहां से भाग जाते और टैंक्स फालतू में बेच जाते। क्या हो रहा है, और बाप रे, और इतना खतरनाक टैंक्स कौन गिराता है? अरे भाई ये क्या हो गया, हमने तो टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन से पंगा लेके गलती कर दी। हां ये बात तुमने सही कही, लेकिन अभी तो शुरुआत है, मेरी तरफ से भी ये खतरनाक टैंक्स। अरे भाई मार दिया, अरे रेड हल्क फंसवा दिया तूने तो, अरे कैसा बुरा मार रहे हैं लोग, मूंछों की कसम मुझे पता नहीं था ये ऐसा करेंगे। अच्छा तुझे पता नहीं था, अभी तो ये शुरुआत है बच्चू, ये ले तू भी, अरे मार दिया, अरे मूंछों वाले रेड हल्क बचा ले हमको। गाइस देखिए रेड हल्क की फैमिली के साथ कुछ ज्यादा ही खतरनाक टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन गाइस अभी ये ग्रीन वाला रिवेंजर हल्क बचा है, इसको भी बताता हूं। इसके लिए मैंने और स्पेशल टैंक्स मंगाए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बजा रहे मर गया, पापा जी बचाओ। ऑलराइट गाइस चारों भाइयों की अच्छे से बैंड बजा दी, लेकिन फ्रैंकलिन ये तो शुरुआत है, अब इनके ऊपर क्यों ना मेटियोर्स गिरा जाए। हाँ यार आइडिया तो बढ़िया है, मेटियोर्स भी गिराएंगे, लेकिन रेड हल्क की भी तो बैंड बजाएंगे। वो चौकी का तम बैंड बजा दी, और आप माफ कर दे, और आप भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी भागते वरना ये लोग हमें जान से मार देंगे। ऑलराइट फ्रैंकलिन चल जल्दी से अपना नया मूव शुरू करते हैं, और आप भागो यहाँ से। ऑलराइट गाइस अब देखिए इनके ऊपर मेटियोर्स की बारिश होने वाली है, बड़े बड़े पत्थर की, उसी की वजह से मेरी फैमिली मरी थी, अब मैं यहाँ पर इनसे बदला लूंगा। ये मारा मैंने, और मैंने भी ये किया एक्टिवेट, ये किया बूम। गाइस देखिए क्या ये खतरनाक ब्लास्ट हुआ है, एक मिनट ये लोग मर गए क्या, लग तो ऐसा ही रहा है, मार दिया, मूंछों की कसम बैंड बजा दी। गाइस देखिए अभी भी यहाँ पर मीटियोर्स का हमला इन पे रिपीटेडली हो रहा है। नहीं मुझे मत मारना, अरे बहुत बुरा मारा है। वाह फ्रैंकलिन अब ये जिंदगी में कभी भी हमें परेशान नहीं करेंगे, बिल्कुल कभी नहीं करूंगा, प्लीज माफ कर दो। ऑलराइट गाइस हमने यहाँ पर सन गॉड के माइंड को भी बचाया और उसके सूट को भी, अब एक काम करते हैं जल्दी से इसको सन गॉड के पास लेके चलते हैं क्योंकि हमें अपनी फैमिली को भी जिंदा करवाना है। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर दोस्तों मैं और फ्रैंकलिन सन गॉड के इस सुपर जायंट सूट को उसके हवाले करने आए जिससे कि वो हमारी फैमिली को जिंदा कर दे, और हमारी फैमिली जिंदा भी हो गई है। फ्रैंकलिन भैया आपने कमाल कर दिया। गाइस बाकी आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है ना वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।